अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो सर्दियों की रात है, आपको पता है इस टाइम पे भूख लगती है, तो मुझे बहुत भूख लगी। टाइम हो रहा था कुछ 4:15 के करीब, मुझे याद आया कि मैं मैगी बना लेती हूँ, तो मैं बस मैगी बनाने ही जा रही थी कि मैं इस आखिरी मैगी को भी खल्लास कर दूँ। सो मैं पानी रख चुकी थी ऑलमोस्ट, मेरा पानी बॉयल हो चुका था, तो सिलेंडर पे रखा हुआ पानी बॉयल हुआ, तो मैंने इस पे रेड मैगी डाल दी। मुझे वैसे बनानी ग्रीन थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ग्रीन मैगी, उनको खानी थी ग्रीन मैगी और मुझे खानी थी रेड, तो उन्होंने कहा मुझे दिल नहीं हो रहा है मैगी खाने का, तो मैंने इनकी मैगी रख दी साइड पर, मैंने बना ली अपनी रेड मैगी। सो मेरी मैगी स्टार्ट हो गई बनना, तो उन्होंने कहा कि मुझे कॉफ़ी पीनी है। मेरे हस्बैंड मेरे सामने ही खड़े थे, उनको वीडियो में नहीं आना था, तो मैंने कहा ठीक है। तो बस मैंने इसमें मसाला ऐड कर लिया था। मसाला ऐड करने के बाद मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे कि जैसे ही मैगी मेरी कंप्लीट हो तो वो मैं कॉफ़ी पी लूँ। तो बस मेरी मैगी कंप्लीट होने ही वाली थी, तो मैगी मेरी कंप्लीट हो तो मैंने मैगी उठाई और मैंने पहले से ट्रे सब कुछ सजा के रख लिया था, कप सब कुछ, के मैं इसमें कॉफ़ी डालूंगी और इसमें मैगी। तो मैंने अपनी मैगी इसमें डाल दी और मैंने फिर कॉफ़ी के लिए मैंने जो पतीले में दूध डाल के रखा था, फिर मैंने वो दूध लिया और मैंने उसको रख दिया सिलेंडर पे। और देखें गैस बिल्कुल नहीं आ रही थी, आज के दिन गैस का बहुत इशू हो गया है। मैंने इसमें शुगर ऐड करी, मेरे हस्बैंड को मीठी कॉफ़ी बहुत पसंद है, वैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीती हूँ लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं पीते, उनको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं पसंद। तो मैंने इनमें शुगर ऐड करी और बॉयल के लिए मैंने वो पकड़ ले लिया, क्योंकि अगर सिलेंडर पे ऐसे ही पतीला रख दो तो वो हमारे हाथ में आता भी नहीं है और दूध अक्सर निकल जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें 2 से 3 बॉयल आने दिए ताकि जो इसके अंदर चीनी है वो पिघल जाए। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप इसके अंदर अपने हिसाब से आपको जितनी कॉफ़ी ऐड करनी ऐड करो, तो मेरे हस्बैंड ने अपने हिसाब से कॉफ़ी इसमें ऐड करी, उन्होंने खुद ही डाली इसमें कॉफ़ी। सो बस कॉफ़ी उन्होंने डाली और कॉफ़ी के डालती है मैंने वापसी सिलेंडर पे रख दिया ये, और बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप हट जाएं क्योंकि उनको डर लगता है, उन्होंने खुद पकड़ लिया ये और खुद उन्होंने कॉफ़ी अपनी मेक कर ली, क्योंकि वो थोड़ा सिलेंडर से डरते हैं और स्पेशली जब मैं सिलेंडर के पास हूँ तो उनकी और ही हार्ट बीट तेज़ हो जाती है इस चीज़ पे, कि वो तो मुझे बिल्कुल हटाने की कर रहे थे कि तुम ही छोड़ दो सिलेंडर वाली चीज़ों को। सो आपको पीछे दिख रहे होंगे राइस, तो हम ये खाते हैं अलनूर के राइस, इग्नोर। तो कॉफ़ी भी कंप्लीट हो गई, हमने कॉफ़ी को भी 2-3 बॉयल दे दिए, तो हमारी कॉफ़ी यहाँ डन। हमने कॉफ़ी उठाई और हमने फिर कॉफ़ी को भी जो मेरी सजी हुई ट्रे थी उसमें मैंने कहा कि मैं डालूँ, लेकिन बदकिस्मती थी सारी कॉफ़ी गिर गई थी। सो फाइनली मेरी ये ट्रे रेडी है, मैगी प्लस कॉफ़ी, लेट नाइट क्रेविंग थी, तो ये टाइम कुछ 4 हो रहे थे और मैं बस ये काम कर रही थी क्योंकि इस टाइम पे बहुत भूख लगती है और मेरा जो टाइम होता है मैं नेटफ्लिक्स देखना ये करना वो करना, तो इसमें मुझे भूख लग जाती है। सो बस मैंने हस्बैंड को बोला आप ट्रे लें और मैं आपके पीछे पीछे चलती हूँ। मेरे हस्बैंड के पीछे पीछे मैं चली और फिर उन्होंने वो ट्रे रख दी थी साइड कॉर्नर पे। सो मैंने उठाया रिमोट, मैंने लगाया टीवी, सो टीवी पे बजा का ऑन करा और उसमें मैंने एनिमल सॉन्ग लगा दिया, मतलब मूवी का। सो प्लीज़ गाइस, मेरा आज का व्लॉग यहाँ एंड होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं आऊँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ माय यूट्यूब फैमिली, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, अल्लाह हाफिज़।